ताजगी, सुखद, मनमोहक, रोशन, प्राकृतिक और भव्य, ये कुछ शब्द हैं जो कि मेरे आज के प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री। दिस इज योर प्रॉपर्टी एडवाइजर जॉली यादव। एंड गाइज, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ NH24 आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर हमारे लेटेस्ट प्रोजेक्ट VVIP नभा पर। गाइज, मैं इस प्रोजेक्ट पर ऑलमोस्ट एक साल पहले आई थी एंड एक साल के बाद सीधा आज मैं यहाँ पर आ रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में एक साल में इस प्रोजेक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा खास है। आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर लोकेटेड है, जो कि एक टाउनशिप है एंड इसके अंदर कई सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट है। आदित्य वर्ल्ड सिटी की सबसे मेजर USP है इसकी लोकेशन। ये बेसिकली NH24 की लोकेशन पर सिचुएटेड है। वेव सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी, जयपुर या सनराइज ग्रीन्स, ये तीनों बिल्कुल एडजॉइनिंग रहेंगे। एंड जैसे ही आप आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर आ जाते हैं, हार्डली आपका 250 से 300 मीटर के डिस्टेंस पर आ जाता है आपका प्रोजेक्ट VVIP नमहा। NH24 की प्रेजेंस से यहाँ पर आपको दिल्ली की सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है। उसके साथ साथ RDC, जो कि गाजियाबाद का एक बहुत ही बड़ा हॉटस्पॉट है, वो यहाँ से हार्डली 5 मिनट की दूरी पर रहेगा। मेरा इज अराउंड 12 मिनट्स फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको 2 मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन एंड नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से एक्सेसिबल डिस्टेंस पर है। इनफैक्ट आदित्य वर्ल्ड सिटी एक बेहद ही लो डेंसिटी टाउनशिप है, जिसके अंदर एरिया बहुत ज्यादा है बट लोग यहाँ पर काफी कम रहेंगे। फ्यूचर डेवलपमेंट में भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्कोप है। सो गाइज, ये तो था थोड़ा सा इस लोकेशन के बारे में। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके चलती हूँ एंड VVIP नमहा के बारे में आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो के दौरान दूंगी। गाइज, दिस इज द मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट VVIP नमहा। पूरा प्रोजेक्ट आपका लगभग 2.75 एकर्स के लैंड पार्सल में डेवलप हो रहा है। एंड प्रोजेक्ट में 3 टावर्स रहेंगे, जिनका एलिवेशन ग्राउंड प्लस 23 फ्लोर्स का रहेगा। प्रोजेक्ट में आपकी 1 एंट्री एंड 1 एग्जिट गेट रहेगा, जिसमें आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर पार्किंग आपकी कम्प्लीटली बेसमेंट में रहेगी, -1 और -2 आपकी बेसमेंट पार्किंग रहेगी। क्लब हाउस की हम बात करें तो क्लब हाउस आपका Tower A + Tower B के ग्राउंड प्लस 1st फ्लोर में डेवलप किया जा रहा है एंड Tower A और B में 2nd फ्लोर ऑनवर्ड्स आपके फ्लैट शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 3 और 4 BHK के यूनिट्स मिल जाते हैं इन डिफरेंट साइजेस। साथ ही साथ प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 80% एरिया आपका ओपन कम ग्रीन एरिया रहेगा, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पर कई सारी अमेनिटीज डेवलप करके दी जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टेरेस एरिया में भी आपको कई सारी अमेनिटीज डेवलप करके दी जाएंगी। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर प्लस टेरेस एरिया दोनों में आपको कई सारी अमेनिटीज डेवलप करके दी जा रही है। क्लब हाउस आपका ग्राउंड फ्लोर लेवल पर रहेगा एंड क्लब हाउस के अंदर आपको डबल हाइट क्लब हाउस मिल जाता है, जिसमें वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज रहेंगी। फॉर इंस्टेंस, टेबल टेनिस, पूल टेबल, एयर हॉकी, जिम, रिजुविनेटिंग स्पेसेस, कैफेटेरिया, लाउंज एरिया, कार्ड रूम, कैरम रूम, किड जोन। साथ ही साथ आउटडोर में आपका यहाँ पर स्विमिंग पूल भी रहेगा, जो कि वेव इफेक्ट के साथ रहेगा। साथ ही साथ स्विमिंग पूल के साइड में आपका बारबेक्यू एरिया, जूस एरिया एंड डेक एरिया भी रहेगा। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट के रूफ एरियाज इंटरकनेक्टेड रहेंगे, तीनों टेरेस आपके इंटरकनेक्टेड रहेंगे, जिसमें कई सारी और अमेनिटीज आपको डेवलप करके दी जा रही है। फॉर इंस्टेंस, टेरेस पर आपका ओपन जिम रहेगा, अगेन आपको यहाँ पर भी जूस बार मिल रहा है, साथ ही साथ वाटर बॉडीज एंड बारबेक्यूज भी रहेंगे। उसके अलावा कई सारे आपके सिटिंग एरियाज भी डेवलप किए जाएंगे। सबसे बड़ी USP ये है कि इस प्रोजेक्ट को काफी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर के साथ डिजाइन किया जा रहा है। यस, ये प्रोजेक्ट आपका राजस्थानी फोर्ट लुक से इंस्पायर्ड रहेगा। फॉर इंस्टेंस, प्रोजेक्ट का एलिवेशन राजस्थान के फोर्ट लुक से इंस्पायर्ड है एंड यहाँ पर आपको बालकनीज, नॉर्मल बालकनीज नहीं बल्कि झरोखा बालकनीज मिल जाती हैं, जो कि काफी ज्यादा आपकी वाइड रहेंगी। बालकनीज आपकी अप्रोक्स 8 फीट वाइड रहेंगी। प्रोजेक्ट में जगह जगह पर डोम स्ट्रक्चर्स रहेंगे एंड काफी ज्यादा रॉयल इसका एलिवेशन रहेगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की हम बात करें तो प्रोजेक्ट आपका माइवान फ्रेमवर्क के साथ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट ये आपका S फॉर्म से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो कि कोरियन ब्रांड है एंड इट इज द बेस्ट
among all the Maiwand construction frameworks. उसके साथ साथ यहाँ पर अपार्टमेंट्स आपको काफी ज्यादा स्पेशियस साइजेस में मिल जाते हैं. All the apartments are of premium segment and यहाँ पर आपको sizes के भी काफी सारे options मिल जाते हैं. Sizes आपके लिए screen पर mentioned हैं. Now coming back to the apartments again, यहाँ पर जितनी भी sanitary fittings रहेंगी वो सारी premium quality की रहेंगी. In fact, all the fixtures will be of standard quality. Balconies में आपको UPVC toughened glasses के साथ sliding doors मिल जाते हैं. In fact, यहाँ पर अभी एक scheme चल रही है जिसमें free of cost additional benefits मिलने वाले हैं first 25 bookings के लिए. But guys, remember one thing, ये ज़्यादा time तक valid नहीं रहेगा. ये सिर्फ first 25 bookings के लिए ही valid है. इस scheme में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. तो आपको सभी rooms में ACs fitted मिलेंगी, modular kitchen रहेगी, cupboards included रहेंगे, chimney and hob are also included. Apart from that, आपको सभी bedrooms में fans fix करके दिए जाएंगे, exhaust fan is included. LED lights in all bedrooms and gypsum board fixing for fire pipe covering inside flat. So guys, these are the free of cost additional benefits for the first 25 bookings only. Guys, I am outside the project VVIP Namha and look at the project. प्रोजेक्ट में आप देखिए कंस्ट्रक्शन कितनी हद तक यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है. आई रिमेम्बर लास्ट टाइम व्हेन आई केम हियर, इट वाज अ ईयर बैक, एक साल पहले मैं यहाँ पर आई थी एंड तब इस प्रोजेक्ट में डिगिंग का काम चल रहा था. एंड विद इन वन ईयर आप देख सकते हैं कितना काम यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है. सुपर स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट रेडी. दिस इज टावर बी जिसका सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. इनफैक्ट टावर ए जो कि इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग है वो भी हम देखें तो ऑलमोस्ट अपने हाफ कंस्ट्रक्शन में पहुंच चुका है. क्लब हाउस यहाँ का बनना शुरू हो चुका है. इट्स वेरी रेयर कि बिल्डर्स पहले अमेनिटीज डेवलप करते हैं, बट इन दिस प्रोजेक्ट पहले आपको अमेनिटीज डेवलप करके दी जा रही हैं. यूजुअली क्या होता है, टावर्स आर रेडी, फ्लैट्स आर रेडी, उसके बाद अमेनिटीज डेवलप की जाती हैं. बट ओवर हियर द केस इज टोटली डिफरेंट एंड इट्स टोटली गुड. आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट दिस फैक्टर अबाउट VVIP Namha. बहुत कम ऐसे बिल्डर्स होते हैं जो इतनी तेजी से अपने प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन जिनके प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट होती है. सो गाइस, ये तो था प्रोजेक्ट का आउटर एरिया, ये बाहर से आपका इस तरीके से दिखता है. अब मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेके जाने वाली हूँ. फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो चीजें अभी पूरी तरीके से रेडी अंदर से भी नहीं हुई है. बट मैं आपको क्लब हाउस यहाँ का दिखाने वाली हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो एक्चुअल फ्लैट रेडी हुआ है उसका भी मैं आपको टूर कराने वाली हूँ. सो लेट्स गो इनसाइड द प्रोजेक्ट. गाइस, मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी हूँ एंड फिलहाल मैं यहाँ के क्लब हाउस में खड़ी हूँ. आप देख सकते हैं ये रहेगा यहाँ का क्लब हाउस जो कि फिलहाल ऑफकोर्स रेडी हो रहा है, अभी पूरे तरीके से रेडी नहीं है, बट काफी हद तक यहाँ पर काम हो चुका है. सो गाइस, अभी मैं टावर बी के लॉबी एरिया में प्रेजेंट हूँ. टावर बी में आपके कम्प्लीटली 3 BHK अपार्टमेंट्स रहेंगे. यहाँ पर एक फ्लोर पर 5 अपार्टमेंट्स रहेंगे 2 लिफ्ट्स के साथ. एंड गाइस, फिलहाल मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक 3 BHK प्लस स्टडी अपार्टमेंट. ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम, फिनिशिंग का काम अभी भी बाकी है, बट एक आइडिया के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ. तो फिलहाल मैं आपको 1980 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK प्लस स्टडी का टूर कराने वाली हूँ जिसकी एंट्रेंस हो जाएगी यहाँ से. सो गाइस, जैसे ही आप एंटर करेंगे सबसे पहले आ जाएगा आपका लिविंग एरिया. सो दिस एंटायर स्पेस विल बी योर लिविंग कम ड्रॉइंग एरिया. साथ ही साथ आप देख सकते हैं लिविंग एरिया में आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है. ये आपका फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर्टी है तो फर्स्ट फ्लोर के लोगों को यहाँ पर टेरेस एरिया का भी एक्सेस मिलेगा. ये टेरेस एरिया इंक्लूडेड रहेगा ऑफकोर्स विद द एक्स्ट्रा कॉस्टिंग. एंड जैसे ही आप लिविंग एरिया के आगे आ जाते हैं ये स्पेस आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया का. सो दिस कम्प्लीट इज योर डाइनिंग एरिया जिसकी बिल्कुल एडजॉइनिंग फील रहेगी आपकी किचन. किचन फिलहाल फिनिश्ड कंडीशन में नहीं है, अभी यहाँ पर काफी सारा काम होना है. सो किचन के साथ अगेन आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टडी एरिया. यहाँ पर अभी वॉल कंस्ट्रक्ट होनी है एंड इसके नेक्स्ट आपको एक छोटा सा बेडरूम मिल जाएगा जिसके थ्रू आप आ जाएंगे आपके फर्स्ट बेडरूम में. सो दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम विच कम्स विद द अटैच्ड वॉशरूम एंड अगेन विद द बालकनी एक्सेस. एंड गाइस, ऑन दिस साइड इज योर रिमेनिंग 2 बेडरूम्स. यहाँ पर रहेगा आपका बेडरूम नंबर 2. सो दिस इज योर बेडरूम नंबर 2 जिसमें अगेन आपको एक
अटैच वॉशरूम मिल जाएगी एंड इस बेडरूम में भी आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाएगा. And guys, this is our third and final bedroom of this apartment, which again comes with the attached washroom and balcony access. So guys, that was all about our today's project VVIP Namha located in Aditya World City. आपको ये project कैसा लगा? Do tell us in the comment box. End में मैं आपके लिए हर project summarize करती हूँ and उस project की major USPs आपको बताती हूँ. So VVIP Namha की major USPs क्या हैं? Well, ये आपका 3-side open property है. एक side आपका road रहेगा, front में भी आपको road मिल जाता है. एंड एक साइड पर आपका रहेगा आदित्य वर्ल्ड सिटी का पार्क, ग्रीन एरिया आपको मिल जाता है. सो प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको काफी सारी ग्रीनरी मिल ही रही है, बट प्रोजेक्ट के एडजॉइनिंग भी आपको काफी ज्यादा ग्रीनरी मिलेगी कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स इन दिस रीजन. इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा तेजी से हो रही है एंड ये प्रोजेक्ट काफी जल्दी डिलीवर भी हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू रेरा इस प्रोजेक्ट को 2028 में डिलीवर होना है, बट अकॉर्डिंग टू VVIP वो इस प्रोजेक्ट को 2026 तक डिलीवर कर देंगे एंड आई हैव नो डाउट्स ऑन दैट, क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है. टावर्स के स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, 18 फ्लोर तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है. सो आई एम वेरी श्योर कि ये डिलीवर कर भी देंगे. साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो बेस्ट क्वालिटी आपको मिल रही है, बेस्ट फॉर्म ऑफ माइवान फ्रेमवर्क यहाँ पर आपको मिल रहा है. उसके साथ साथ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज द आर्किटेक्चर. VVIP नमहा ने हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया है एंड उसको जिंदा रखा है. यहाँ पर आपको राजस्थानी फोर्ट लुक के साथ ये पूरा प्रोजेक्ट मिल रहा है. एलिवेशन इसका पूरा फोर्ट लुक के साथ आएगा. टेरेस गार्डन यहाँ पर मिल रहा है. सो इस पूरे एरिया में इनफैक्ट आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि आपको टेरेस गार्डन डेवलप करके दे रहे हैं. एज ऑफ नाउ फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट्स ऐसे आ सकते हैं, बट फॉर नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट इज गिविंग यू डेवलप्ड टेरेस एरिया विथ लॉट्स ऑफ अमेनिटीज. साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्लब हाउस के अंदर भी कई सारी एक्सक्लूसिव अमेनिटीज मिल रही है. तो ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे यहाँ पर साइजेस मिल जाते हैं. एंड अगर हम बिल्डर की भी बात करें तो VVIP इज अ वेरी बिग नेम इन गाजियाबाद. इनके 9 प्रोजेक्ट्स ये सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं इन गाजियाबाद एंड नोएडा एक्सटेंशन एरिया एंड दिस इज देयर 10th प्रोजेक्ट. इनके ऊपर कोई भी एलिगेशंस नहीं है, फुली पेड अप लैंड है. दिस प्रोजेक्ट इज ऑल इन ऑल टू परफेक्ट फॉर द होम बायर्स. इसका स्टार्टिंग प्राइस अगर आपको जानना है तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं. एंड गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप उसके लिए हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. एंड दैट वाज ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.